और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया। क्या कभी होता है क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है। लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं, उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है।